ओके, अभी सर ने पूछा कि घर में कितने लोग हेलमेट लगाते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, हेलमेट लगाते हैं किसके लिए? पुलिस के लिए, पुलिस से बचने के लिए? किसके लिए? अपने लिए, अपने शरीर की, अपने ब्रेन की भी रक्षा करने के लिए। समझ गए ना? आपको बताऊं, इस साल जो दशहरा होली था, उसी दिन हम घर पर थे और हमारा एक कंडक्टर उसी कैंपस में, हमारे ब्लॉसम अकेडमी राजेंद्र नगर में रहता था, उसका बेटा शराब पिए हुए था, बाइक उठाया, उसको रेलवे स्टेशन जाना था, उसकी माँ उसका पिता कह रहे थे बाबू हेलमेट लगा लो, उसने उठा के फेंक दिया हेलमेट, बाइक उठाया, लहराते हुए से चलते हुए गोरखनाथ पुल पर पहुंचा, इतने स्पीड में था कि गोरखनाथ पुल के रेलिंग से टकरा गया, गिर पड़ा, ये इतना टूट के टुकड़ा बाहर निकल गया, ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया। जाने वाले लोग वहां पुलिस को बताए, पुलिस तुरंत आई, सिविल अस्पताल ले गई, सिविल अस्पताल ने जवाब दे दिया कि हम नहीं इसको अटेंड कर सकते हैं, सीरियस है। मेडिकल कॉलेज गए, मेडिकल कॉलेज ने भी जवाब दिया, एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। होली के दिन कोई डॉक्टर ऐसा मरीज लेने के लिए तैयार नहीं था, बड़े मुश्किल से कराया गया। वहां से फिर एक न्यूरो सर्जन के यहाँ दूसरे दिन ले जाया गया, वहां भी नहीं हुआ, अंत में उसकी डेथ हो गई और 1.5 लाख रुपया 2 दिन में खर्च हो गया। अगर वह हेलमेट पहना होता तो हमें उम्मीद है हाथ पांव टूट जाते, लेकिन हेड इंजरी नहीं होती, वो उसको बचाया जा सकता था। तो हेलमेट पहनना किसी पुलिस के लिए डर से पहनना ऐसी बात नहीं है, हमें अपनी रक्षा के लिए पहनना। आपको तो हम अलाउ नहीं करते हैं कोई भी गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन आपके पापा मम्मी जरूर चलाते हैं। आप आज जा करके पुलिस ऑफिसर बन करके चेक करेंगे, हेलो बच्चे किसके घर में पापा चलाते हैं बाइक और हेलमेट नहीं है, और अगर है भी तो पहनते हैं कि नहीं है, एकदम रोक देना गाड़ी को, जाने नहीं दूंगा मैं, आप हेलमेट पहनिए तभी घर से बाहर जाएंगे। अगर मम्मी भी रोज उसी गाड़ी से जाती है उनके लिए ये हेलमेट कर दो, क्योंकि गिरेंगे, ये नहीं जो चलाता है उसी चोट लगेगी, पीडियन पैसेंजर पीछे बैठने वाले पैसेंजर को भी चोट लगती है, उसके लिए भी हेलमेट जरूरी है। तो सबसे खरीदवाओ बच्चे, हेलो कीप साइलेंस, समझ गए ना? अब हेलमेट की बात आई, आप देखते होंगे सड़क के किनारे एक तिरपाल लगा करके हेलमेट बेचते हैं लोग, हर हेलमेट हेलमेट नहीं होता। मैं एक बार दिल्ली गया था तो वहां हेलमेट बनाने वाली 2-3 कंपनियों के यहाँ गया कि कैसे आप बनाते हैं, मेरी क्यूरियोसिटी थी। वो लुगदी तमाम वेस्ट मटेरियल को करके प्रेस करके बोल्ड कर देते हैं, सांचे में ढाल करके पेंट रोल करके, आपको दिल्ली में जाएंगे सड़कों के किनारे करोड़ बाग वगैरह किनारे हजारों दुकानें मिलेगी, सब हेलमेट खूबसूरत हेलमेट, लेकिन वो क्रैश टेस्ट में फेल होते हैं। तो हर हेलमेट नहीं खरीदना चाहिए, जो ISI से अप्रूव्ड हेलमेट है उस पर लिखा रहता है, जैसे स्टड्स कंपनी का है, और एक ब्लू बर्ड थे क्या थे, स्टील बर्ड, ये सब हेलमेट जो है क्रैश टेस्ट, इनके ऊपर से बेल्ट गिरा के टेस्ट किया जाता है कि ये फटते हैं टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं। जो पास होते हैं उनको ISI